ईवीएम में पड़े थे 3,63,000 वोट और निकले 4,87,198 वोट। जीत का जश्न मनाने वाली भाजपा पर उल्टा पड़ सकता है दांव। दोबारा गिनती पर अड़ गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के जिन 17 महापौर सीटों पर चुनाव हुए उनमें से गोरखपुर भी प्रमुख सीट है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। ऐसे में वहां पर सह और मात का खेल जोरों पे है, लेकिन वोटों की गिनती के बाद गोरखपुर आज सुर्खियों में आ गया। आरोप यह है कि गोरखपुर में महापौर चुनाव के लिए 3,63,000 वोट डाले गए, लेकिन गिनती में निकले 4,87,198 वोट। बस यही वो आरोप है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के सामने अड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करके चुनाव आयोग से वहां पर दोबारा गिनती करने का अनुरोध किया और साथ ही हुई धांधली को स्पष्ट करने का आग्रह भी किया। अगर अखिलेश यादव और विपक्ष गोरखपुर में इस धांधली को साबित कर ले जाते हैं तो जहां भी ईवीएम से चुनाव हुए हैं उन सब पर विपक्ष पार्टी धांधली का आरोप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहां पर विपक्ष भाजपा पर भारी पड़ गया, लेकिन जहां पर ईवीएम से चुनाव हुआ वहां पर भाजपा का जलवा बरकरार रहा। लेकिन भाजपा के इस जश्न पर ग्रहण लग सकता है। अगर गोरखपुर में हुई धांधली पर विपक्ष आक्रामक हो गया और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पाया तो जश्न मना रही भाजपा के लिए यह एक बुरी खबर हो सकती है और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभिषेक सोनी, न्यूज एडिट, उत्तर प्रदेश।